हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस करियर। आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है। आप जान रहे हैं इंजन ऑपरेशन के 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में जानकारी लेने, जो ऑटोमोबाइल रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमारा जो इंटरनल कम्बस्टन इंजन होता है, इंटरनल कम्बस्टन इंजन, वो दो तरह के होते हैं। पहला एक पेट्रोल से चलता है और दूसरा डीजल से चलता है। दूसरा किससे चलता है? डीजल से। तो जो डीजल से चलता है और जो पेट्रोल से चलता है, ये भी दो दो पार्ट में होते हैं। एक 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और एक 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ऐसे ही डीजल इंजन का भी दो पार्ट होता है, एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन और दूसरा होता है 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो हम सबसे पहले चल रहे हैं पेट्रोल इंजन के बारे में पढ़ने, 4 स्ट्रोक के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ 4 स्ट्रोक के बारे में पढ़ेंगे। अगले जो वीडियो आएंगे हमारे, वो 2 स्ट्रोक पे रहेंगे, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में। देखिए ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, इसमें क्या होता है, पिस्टन जो होता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। टॉप डेड सेंटर क्या होता है, जो सिलेंडर में सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है, जहाँ तक पिस्टन अधिकतम दूरी तय करता है, सबसे ऊपर तक जाता है, वही टॉप डेड सेंटर होता है। और BDC बॉटम डेड सेंटर, जहाँ तक पिस्टन नीचे तक जाता है, वही बॉटम डेड सेंटर होता है, तक की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। यानी कि TDC से BDC तक की दूरी को स्ट्रोक कहते हैं। 4 स्ट्रोक पिस्टन के 4 स्ट्रोक में इंजन प्रक्रम का 1 चक्र पूरा होता है और इतने समय में क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर पूरा करता है। यह इंजन ऑटो साइकिल पर कार्य करता है। कौन? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। यह पेट्रोल से चलता है और पेट्रोल का स्पार्क इग्निशन होता है, इसलिए इसको 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन कहते हैं। वाल्व क्रैंकशाफ्ट की सहायता से खोली जाती है और इसके 4 स्ट्रोक होते हैं। किसी भी तरह के इंजन जो होंगे, इंटरनल कम्बस्टन इंजन, वो 4 उसमें स्ट्रोक होंगे। पहला जो होगा सक्शन स्ट्रोक होगा, दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, जिसे हम संपीड़न स्ट्रोक भी कहेंगे, और तीसरा पावर स्ट्रोक होगा, और चौथा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। तो एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन TDC से नीचे की तरफ BDC तक जाता है। यह क्रिया इंजन को स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग मोटर द्वारा तथा बाद में फ्लाईव्हील के संवेग द्वारा होती है। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला रहता है और एग्जास्ट वाल्व बंद रहता है। पिस्टन की गति से सिलेंडर में खाली जगह बढ़ता है, जिसे वह कार्बोरेटर से एयर पेट्रोल का मिश्रण खींचता है और सिलेंडर एयर पेट्रोल के मिश्रण को भर जाता है। सक्शन स्ट्रोक के अंत में इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसे हम संपीड़न स्ट्रोक भी कहते हैं। संपीड़न स्ट्रोक में पिस्टन BDC से ऊपर की तरफ TDC तक जाता है। BDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर से ऊपर की तरफ टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है। इस स्ट्रोक में इनलेट वाल्व तथा एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ही बंद रहते हैं। सिलेंडर के अंदर एयर पेट्रोल का जो मिश्रण आया था, वह कंबस्टन चेंबर में कंप्रेस हो जाता है, यानी कि दब जाता है। संपीड़न से मिश्रण का दाब तथा ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके जलने में सुविधा होती है। उसके बाद हमारा आएगा नेक्स्ट जो आएगा, पावर स्ट्रोक आएगा। पावर स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन के TDC पर पहुंचने पर स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होती है, जिससे एयर और पेट्रोल का जो मिश्रण होता है स्थिर आयतन पर जलता है। जलने से उसका दाब तथा ताप बढ़ता है। यह दाब पिस्टन को नीचे बॉटम डेड सेंटर यानी BDC की तरफ धकेलता है, अतः पिस्टन TDC से यानी टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जाता है। सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसों का एक्सपेंशन होता है। इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं। पावर स्ट्रोक में, इस स्ट्रोक में पिस्टन को कार्य करने की शक्ति मिलती है। जली हुई गैसों का प्रसार होता है, इसलिए इसे शक्ति स्ट्रोक या प्रसार स्ट्रोक भी कहते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक भी कहते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा एग्जास्ट, जिसमें से धुएं को बाहर निकालना होगा सिलेंडर से। तो इसमें क्या होता है कि पावर स्ट्रोक के बाद जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे होता है, तो एग्जास्ट वाल्व खुल जाता है और इनलेट वाल्व बंद रहता है,
अतः हाई प्रेशर होने के कारण जली हुई गैसें एग्जास्ट वाल्व से होकर सिलेंडर के बाहर निकल जाती हैं। एग्जास्ट स्ट्रोक में पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से ऊपर टॉप डेड सेंटर तक जाता है। जब टॉप डेड सेंटर पर जाता है तो यह एग्जास्ट वाल्व बंद हो जाता है और इनलेट वाल्व पुनः खुल जाता है और यहीं से फिर वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। इस प्रकार पिस्टन के चार स्ट्रोक पूरे होते हैं। इन चार स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट के दो घूर्णन होते हैं और पिस्टन को एक स्ट्रोक में शक्ति मिलती है। इंजन चलते समय इन चार स्ट्रोक की पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी कि सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जास्ट। सक्शन होगा, फिर कंप्रेसर होगा, फिर पावर, फिर एग्जास्ट। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, क्रमशः चलती रहती है। उसके बाद अब हम बात करेंगे फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। अभी तो हमने फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में जाना, अब हम इस वीडियो में जानेंगे फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। ये डीजल इंजन डीजल से चलते हैं। देखिए, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन, यह इंजन डीजल साइकिल पर कार्य करता है। यह डीजल आयरन चलता है। इसमें सिलेंडर के अंदर पहले हवा संपीड़ित की जाती है, फिर इसमें डीजल आयल इंजेक्ट किया जाता है, जो कि कंप्रेशन हवा का उच्च ताप होने के कारण स्वतः जलता है। इसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, ठीक है। स्पार्क प्लग किस में लगा होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पेट्रोल इंजन में लगा होता है। इसको फोर स्ट्रोक डीजल साइकिल कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। इसके चार स्ट्रोक इस प्रकार हैं। पहला होता है सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जास्ट स्ट्रोक। ये चार स्ट्रोक चाहे डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन, सब यही होता है। सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, फिर पावर मिलेगा, फिर एग्जास्ट हो जाएगा गैस का। तो आइए जानते हैं इसके डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक के बारे में। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टॉप डेड सेंटर से नीचे की तरफ बॉटम डेड सेंटर तक जाता है, बीडीसी तक जाता है। इस स्ट्रोक में जो इनलेट वाल्व खुला रहता है और एग्जास्ट वाल्व बंद रहता है, सिलेंडर के अंदर जो इनलेट वाल्व से होकर केवल हवा ही खींचता है। सक्शन स्ट्रोक के बाद इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। अब उसके बाद आता है प्रक्रिया जो संपीड़न स्ट्रोक का होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। संपीड़न स्ट्रोक के अंत में इंजेक्ट से ईंधन दहन चैम्बर में इंजेक्ट होता है। संपीड़ित हवा का उच्च ताप होने के कारण वह स्वतः कंस्टेंट प्रेशर पर जलता है, जिससे पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ चलता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन हवा को सिलेंडर के अंदर संपीड़ित करता है, संपीड़न स्ट्रोक कहलाता है। उसके बाद देखिए, सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, उसके बाद आता है हमारा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक डीजल इंजन का क्या होता है, पिस्टन के अंदर टॉप डेड सेंटर पर जब पहुँचने पर नोजल द्वारा डीजल इनपुट दिया जाता है, जिससे हवा डीजल का मिश्रण स्थिर दाब पर जलता है। जलने से उसका दाब तथा ताप बढ़ता है। यह दाब पिस्टन को नीचे की तरफ ढकेलता है, अतः पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है। सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसों का एक्सपेंशन होता है, जिससे कि स्ट्रोक में पिस्टन को कार्य करने की शक्ति मिलती है और जली हुई गैसों का प्रसार होता है, इसलिए इसे शक्ति स्ट्रोक कहते हैं। और वर्किंग स्ट्रोक या प्रसार स्ट्रोक भी कहा जाता है पावर स्ट्रोक को। इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा एग्जास्ट स्ट्रोक। जब दोनों वाल्व बंद होते हैं तो एग्जास्ट के समय एग्जास्ट वाल्व खुल जाएगा, जिससे हमारे सारे उसमें के गैस एग्जास्ट गैस बाहर निकलेंगे। तो देखिए, शक्ति स्ट्रोक के बाद जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर पे होता है तो एग्जास्ट वाल्व खुल जाता है, इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। इससे उच्च दाब होने के कारण जली हुई गैसें एग्जास्ट वाल्व में होकर सिलेंडर के बाहर निकल जाती हैं। इस स्ट्रोक में पिस्टन टॉप डेड सेंटर से ऊपर की तरफ टॉप डेड सेंटर तक जाता है। इस स्ट्रोक में पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से ऊपर की तरफ टॉप डेड सेंटर तक जाता है। इस समय सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसों का पिस्टन ढकेलता हुआ एग्जास्ट वाल्व से होकर बाहर निकाल देता है गैस को। जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आता है तो एग्जास्ट वाल्व बंद हो जाता है और इनलेट वाल्व पुनः खुल जाता है। फिर वही सक्शन की क्रिया होगी, फिर सक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, फिर पावर होगा, एग्जास्ट होगा। इस प्रकार पिस्टन के चार स्ट्रोक पूरे होते हैं। चार स्ट्रोक कौन कौन से, सक्शन हुआ, कंप्रेशन स्ट्रोक हुआ, पावर स्ट्रोक और एग्जास्ट स्ट्रोक, चार स्ट्रोक होते हैं। इन चार स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट के दो रिवॉल्यूशन होते हैं, यानी कि दो घूर्णन होते हैं, दो बार घूर्णन होती है क्रैंकशाफ्ट के, और पिस्टन को एक स्ट्रोक में पावर मिलता है और चारों स्ट्रोक में सिर्फ एक बार पावर मिलता है।
इंजन चलते समय यह 4 स्ट्रोक की पुनरावृत्ति क्रमशः होती रहती है। तो ये था हमारा 2 तरह के इंजन, जो हम पेट्रोल इंजन के बारे में समझे और डीजल इंजन के बारे में जन समझे, जो 4 स्ट्रोक से थे। 4 स्ट्रोक कौन कौन सा था हमारा? सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जास्ट। कल की जो वीडियो हमारी आएगी वो 2 स्ट्रोक पे होगी, तो उसे आप देखना ना भूलिएगा। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेस इग्निशन इंजन, इससे रिलेटेड वीडियो होगी, तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।